गोवर्धन थाना के अंतर्गत गांव गांटोली के छैल बिहारी के घर में आधी रात को चोरों ने धावा बोल दिया और चोरों द्वारा घर की लाइट को बंद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घर की महिलाओं को शक होने पर जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। घर वालों की माने तो उनका कहना है कि करीब देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाकर करीब 15 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि छैल बिहारी का बेटा एमपी पुलिस में तैनात है, जिसकी शादी करीब 1 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में मिले सोने चांदी के आभूषणों को घर में रख रखा था, जिस पर आज देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। छैल बिहारी द्वारा आभूषणों की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कहीं भी किसी भी समय चोरी की वारदात को अंजाम देने में अपराधी नहीं चूकते और पुलिस हाथ पर हाथ रख के रह जाती है, और बाद में पीड़ित को कुछ मिलता है तो वह सिर्फ एक जांच। देखना यह होगा कि इस केस में भी अब पुलिस आभूषणों को बरामद कर पाती है या फिर नहीं। क्या नाम आपका? छैल बिहारी। छैल बिहारी कहाँ के रहने वाले हो? गांठौली कुलालगंज। ये आपके यहाँ पे कोई घटना को अंजाम दिया, क्या घटना हुई? ये हुई साहब, लाइट जल रही थी, लाइट बंद होने पर हमारी घरवाली जगी, उसने कही ये लाइट तुमने बंद करी कि हमने बोले कि हमने बंद नहीं करी, तो तुरंत ही दूसरे गेट को भागी, दूसरा गेट खुला मिला, हम अंदर आए तो ऊपर वो हाथ में झोला लेते हुए हमने भागते हुए उनको देखा, और बच्चा हमारा एक एमपी पुलिस में रहता है, एक आगरा तैयारी करता है सर। क्या क्या सामान चला गया? सामान सब सोने चांदी के सब गया, पूरा सामान लगभग कितने? गोदरेज अलमारी जो सब तोड़ तार के बक्सा सब। लगभग कितने रुपए का सामान रुपया? 10-15 लाख का होगा सब सामान। चूड़ियाँ हाथन की चार चार, मोहरें, हारें, अंगूठियाँ, कमर की कुंदनी हैं, पामन के पाजे हैं, गुस्ताने वगैरह सब 8-10 हज़ार रुपये चढ़ाया। वो सब 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 सामान। शादी कब हुई थी? 18 अप्रैल को हुई। जाओ ये 18 ना, अगले 1 साल से ज़्यादा है। लाला एमपी।